डीएसएसबी का पेपर देने के लिए जब डीएसएसबी एक कोने से दूसरे कोने में सेंटर पटकती है, उस अनजान जगह को ढूंढने में उतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते जितने पापड़ की घर बैठे बैठे फॉर्म फिल करने में लग जाते, पसीने छूट जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। जब भी देखो सर्वर बिजी, सर्वर डाउन, एरर का मैसेज आता रहता है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जब एंड मोमेंट रहता है, उससे पहले ही फटक से सर्वर एरर या कुछ ना कुछ आपको एरर शो हो जाता है, वो सारा फॉर्म फिल किया बेकार हो जाता है। फिर से कैंडिडेट एक और ट्राई करता है, अपना फॉर्म फिल करता है, और जैसे ही उसका एंड मोमेंट होता है फिर से सर्वर बिजी हो जाता है। बहुत बड़ी दिक्कत आती है, गुस्सा आता है, लेकिन इसके लिए डीएसएसबी के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। टोटली कैंडिडेट को ही यहाँ पर परेशान होना पड़ता है, इसका कोई भी सॉल्यूशन डीएसएसबी के पास नहीं है। मेल कैंडिडेट को तो यहाँ पर और भी दिक्कत आती है, यहाँ पर वो जो पेमेंट करता है तो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद उसके अकाउंट से तो पैसे कट जाते हैं, लेकिन जब वो स्टेटस देखता है तो वहाँ पर शो होता है उसे पेंडिंग। दोबारा से पेमेंट कर देता है, शायद उसे लगता है कि पेमेंट नहीं हुआ ठीक से, तो वहाँ पर फिर से पेंडिंग दिखाता है 3-4 बार, और कई बार पेमेंट करने के बावजूद भी आपका स्टेटस पेंडिंग ही दिखाता है। कितनी बार आप पेमेंट कर चुके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आपने करना क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डीएसएसबी को एक बार अगर पेमेंट हो गया तो वो रिफंड नहीं होता है। किसी भी कंडीशन में डीएसएसबी रिफंड नहीं करता है, चाहे आपने एक बार कर दिया, चाहे 5-5 बार कर दिया, जितनी मर्जी बार आपने पेमेंट कर दिया, डीएसएसबी रिफंड नहीं करता है। तो आपने डीएसएसबी को एक बार अगर पेमेंट कर दिया तो उसे दोबारा पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। वहां पर एक ऑप्शन होता है रीवेरीफाई का, उसी पर क्लिक करना है। करते जाना है, जैसे हम बार बार फॉर्म फिल करते हैं या बार बार हम दोबारा पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, आपने 2-3 बार जितनी मर्जी बार आपने रीवेरीफाई पे ही क्लिक करना है। जब तक आपका फॉर्म यानी कि पेमेंट वो सक्सेसफुल ना हो, आप रीवेरीफाई पे क्लिक करते रहिए, आसानी से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। मुझे चार दिन लगे मुझे उस अकाउंट को कट गए थे, लेकिन सक्सेसफुली सबमिटेड करने में मुझे 4 दिन लगे। तो बस आपने जरूर मतलब उससे दोबारा नहीं करना, एक ही बार में पेमेंट होने के बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करते रहिए। डीएसएसबी रिफंड नहीं करता है। डीएसएसबी की साइट की क्या क्या प्रॉब्लम आपको आई है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये मैसेज डीएसएसबी तक पहुँचे और डीएसएसबी कुछ सुधार करे, कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन रखे, ताकि फॉर्म फिल हो जाए आराम से, कोई भी दिक्कत किसी को ना आए। जितना टाइम हम फॉर्म फिल करने में लगाते हैं, उतना टाइम अगर तैयारी करने में लगाएं तो शायद कुछ भला हो जाएगा। धन्यवाद।